हेलो, दिस इज़ कपिल यादव। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस उठाएंगे। देखो देखो, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+4 dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जब इंटीग्रेंड मिलता है सोल्व करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं जिसका आप इंटीग्रल करते हो? इंटीग्रेंड। और कंप्लीट टर्म इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इसको जब आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपका काम है, आप इंटीग्रल को नाम दीजिए आई। ठीक है, सोल्व करने का मतलब पेपर में लिखने का तरीका, आप कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर। हम एज यू नो, हम 12th क्लास का इंटीग्रेशन उठा के चले हुए हैं। सो बेसिकली ये सब 12th क्लास के लिए है और हायर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का बेसिक्स 12th से स्टार्ट होता है। सो देखिए, आई इक्वल्स टू, सो उसके बाद हमने कल एक प्रॉपर्टी की थी लीनियर वाली, कि अगर आप f1x+f2x, अंदर दो फंक्शन हैं तो आप उनका अलग अलग इंटीग्रल ऑपरेट कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो, f1 का अलग से, f2 का अलग से। सो देखिए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर का अलग dx माइनस 3x का अलग dx, इसके साथ भी आएगा प्लस 4 into dx। ये इंटीग्रेशन हमारा अलग अलग तीनों के साथ ऑपरेट हो जाएगा। हमने dx तीनों के साथ क्यों लिया? क्योंकि इंटीग्रेशन तीनों का होना है। जब तक आप ये टर्म किसी के साथ नहीं लगाएंगे वो इंटीग्रेशन अधूरा है, इंटीग्रल अधूरा है वो, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो देखिए, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमने बताया था कल कैसे करना है, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, जब एक्स लीनियर हो आपका। देखो एक्स लीनियर है, उसकी पावर दे रखी है, तो उसकी एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे प्लस, नेक्स्ट देखिए माइनस का साइन है, नेक्स्ट 3 कॉन्स्टेंट है, 12 आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर है तो एक पावर प्लस होगी, तो 1+1 टोटल पावर नीचे कितनी? 2, तो ये 1+1 टोटल पावर कितनी? 2 प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट के साथ कौन ऐड हो जाता है? जिसके साथ आप क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो वो टर्म डायरेक्ट ऐड हो जाती है। या फिर आप ऐसे देखना चाहो तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हो? एक्स रेज टू पावर 0, और एक्स रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस दैट इज 1, और टोटल पावर नीचे प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका एक कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए। सो हम हर एक टाइप के दो दो तीन तीन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी एक्सरसाइज सोल्व करने में। अगर फिर भी आपसे कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं होता तो वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर मैंने मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पे उस प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर आपको सोल्व करके दूंगा। सो देखिए, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम उसको सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, या फिर पर्टिकुलर आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी वो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेक्स डीएक्स, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, इंटीग्रल के लिए पता है कोई बेसिक रूल नहीं होता कि हर एक टाइप का इंटीग्रल ऐसे सोल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी बात ये होती है, आप उस क्वेश्चन को देखते ही उसे करने के लिए, मतलब किस साइड आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, किस साइड भागते हो उसे करने के लिए, क्या मतलब टर्म यूज करते हो, उसे कैसे ऑपरेट करते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो। तो मेन ये चीज है, आपको जो फॉर्मूले पता होते हैं ना, जैसे आपको सीकेंट स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला पता है, उसका क्या होता है इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं सीकेंट और टेन से रिलेटेड इंटीग्रेशन आया हुआ है तो आप कोशिश करेंगे मैं उसको सीकेंट स्क्वेयर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला पता है, आप उसको डायरेक्ट फिर लास्ट में क्या लिख सकते हो। आपको मेन क्या होता है आपका काम, आपको ये साइन खत्म करना है, ये साइन और ये डीएक्स खत्म करना है, और ये कब खत्म होगा? जब आप इन लास्ट फॉर्मूला पर पहुंच जाओगे। जैसे कि लास्ट फॉर्मूला इसका भी होता है एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स का, क्या अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे। ये साइन को खत्म करने का तरीका है कि भाई एक पावर प्लस कर देंगे, टोटल पावर नीचे आ जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपको इंटीग्रेशन करने का कोई रूल नहीं होता। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सिंपल होता है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, कैसा भी डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा रूल होता है कि पहले तो पावर का करेंगे, फिर बेस का करेंगे, और फिर उसके एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और बेसिक कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए पहले पावर का फिर उसके बेस का। मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन उसका ऐसे ही ऑपरेट होता चलेगा हर फंक्शन का। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन तो आपका बहुत ही सिंपल है। देखिए,
तो इंटीग्रेशन को ऑपरेट करने के लिए पहले आपको उसके जिस फॉर्मूले को आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन का, वहां तक जाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैं कोसिकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। सबसे पहली बात, आप जितना हो सके हर टर्म को अलग अलग रखने की कोशिश करना है, ऐसे माइनस प्लस के साथ, आपकी हर एक टर्म माइनस प्लस के साथ अटैच होनी चाहिए। जितना कोशिश हो सके आप अपने टर्म्स के बीच, अपने फंक्शंस के बीच क्या जनरेट करें, प्लस माइनस का साइन लेके आए, जैसे एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, मतलब उन फंक्शंस के बीच में सिर्फ प्लस माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई ना हो। मल्टीप्लाई के अंदर इंटीग्रेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टार्टिंग में आपकी लेवल के ऊपर। चलिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स कर देगा, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, या तो आप चाहें तो इस इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। ये चीज नॉन होती है कि आपने इसका इंटीग्रेशन किया है और इसका अलग अलग, आप एक स्टेप और बढ़ा के उसको लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए तो हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमने कल फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स, माइनस कोटेक्स, उसके बाद नेगेटिव ऐसे कैसे, फिर कोसिकेंट एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ा था। कोसिकेंट एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए माइनस कोटेक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं प्लस की टर्म को आगे लिख रहा हूं, कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेक्स यहां पर लिख दी प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया आपका इंटीग्रल कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो देखिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा और मेरे को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद है, इसलिए मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक जगह कोसिकेंट कोट बनेगा और मेरे को उसका फॉर्मूला पता है, मैं उसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो ध्यान रखिए आप इंटीग्रेशन उसी का कर सकते हैं जिसको आपका लास्ट में चल के ये पता हो कि ये जाके किसी ने किसी का फॉर्मूला बनेगा, तभी आप इस साइन को खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंबल आपसे खत्म नहीं होगा। कुछ भी किए जाओ, भागे जाओ इधर उधर, इसको कहीं तो साइन कोस में खोल लेंगे, कुछ करेंगे या करें, वो सब नहीं होता। आप सिंपल ये देखो आपका फॉर्मूला कहां पे जाके बनेगा इंटीग्रेशन का, जो आपने याद किया हुआ है उससे आप उसका क्या लिख सकते हो, फिर इंटीग्रेशन लास्ट रिजल्ट आप ले सकते हो। उसके बाद देखिए अलग टाइप स्टार्ट करते हैं। जब आपका फंक्शन आपको p by q की फॉर्म में मिले, जो आपका f of x है वो आपको p by q की फॉर्म में मिले, देन आप क्या करेंगे, देखिए x plus 1 की होल क्यूब dx upon x। देखिए अगर आपको आपका फंक्शन ऐसे मिलता है देन आप क्या करेंगे, मोस्टली तो आप कोशिश करना अगर आपका नीचे वाला फंक्शन, अगर आपका नीचे वाला फंक्शन सिंगल x है तो आप ऊपर वाले की पावर खोल दीजिए, बिकॉज देखो पहले पावर खोलो आपको अलग से दिखेगा, उसकी पावर खोल दीजिए आप, क्योंकि आप इस, अगर आपके पास ये ऐसे होता है ऐसे तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देते पावर के हिसाब से, क्यों, क्योंकि अंदर लीनियर क्वांटिटी है, डायरेक्ट हो जाएगा एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, लेकिन अभी नीचे एक्स स्क्वायर आया हुआ है, आप इसका पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको उसकी पावर खोलनी पड़ेगी। आप उसकी पावर खोल दीजिए, क्या आएगा, ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। देखिए x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x into x plus 1, ठीक है, 3ab into a plus b, अंदर मल्टीप्लाई करो ये क्या बनेगा, 3x square plus 3x। आई होप आपको पता चला होगा ये फॉर्मूला हमने कैसे ओपन किया है, डिवाइड बाई x square into dx। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने बोला था आप इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब आपके फंक्शंस के बीच में सिर्फ प्लस माइनस का साइन हो, प्लस माइनस का साइन होगा ना तब आप उसका आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्रोडक्ट में होंगे तब आपके लिए करना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिर वो डिवाइड में चल रहे होंगे तब भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको सिर्फ सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आता है आराम से, क्योंकि मोस्टली फॉर्मूले इन्हीं के ऊपर है, सिंगल फंक्शन दे रखा हो जैसे एक्स दे रखा हो सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, मतलब इनके सिंपल रूल्स आपको पता है। तो देखिए आप इसको सिंगल सिंगल फंक्शन में कैसे लिख सकते हो, इसको सभी के नीचे एक्स स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो देखिए आपने क्या कर लिया, सभी को अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर एक टू पावर नीचे एक पावर ऊपर, ये कैंसिल आउट, सोल्व कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये x है एक x कैंसिल आउट। अब देखिए आप ये इन सभी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का x स्क्वायर बाई टू, वन बाई एक्स स्क्वायर का, अगर यहाँ पे वन बाई एक्स होता देन आप आराम से कर देते, ये लॉग के अंदर चला जाता, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वन बाई डिवाइड में नीचे लीनियर क्वांटिटी है तो वो हमेशा लॉग में जाएगा। अगर एक पावर इंक्रीज हो जाती है थोड़ी सी भी, अब इससे बड़ी कोई भी जा सकती है, लीनियर ना होके कुछ और है तो वो हमेशा पावर के हिसाब से उसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए इस पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे, x रेज टू माइनस टू आएगा, x रेज टू माइनस टू आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे आएगा इस पावर में एक प्लस और टोटल पावर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस दो प्लस एक माइनस एक, और ये नीचे कितना बचेगा माइनस एक, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर का एक्स रेज टू माइनस वन, और ये माइनस एक को हम कहाँ पे लगा दें, यहाँ पे, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट के साथ कौन ऐड हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो थ्री इंटू एक्स आएगा कैसे, हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था और उस कल भी किया था हमने कि ये कैसे आएगा, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी, प्लस थ्री बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थ्री बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थ्री तो क्या है कॉन्स्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, बच गया कौन थ्री, अगर बाहर आ जाएगा तो कौन बच गया वन बाई एक्स, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log of x plus constant of integration, ये आपका क्या आ गया इंटीग्रल, आपकी सॉल्यूशन आ गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो कहने का मतलब ये है उसके बाद देखिए, देखिए दो क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ, कुछ भी आपको जैसे ऐसे मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होल क्यूब डी एक्स, मतलब दो तीन क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स इसकी पावर थ्री, या फिर ऐसा मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब इसकी पावर फोर, या फिर ऐसा मिल जाए रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इसकी पावर थ्री स्क्वायर ले लीजिए, ऐसे मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो आप क्या करोगे, आपका सबसे पहला काम होगा आप उस पावर को खोलिए, जितनी पावर है वो आपको ओपन करनी पड़ेगी। पावर को ओपन करने की कंडीशन कब आती है, जब अंदर आपकी क्वांटिटी लीनियर ना हो, अगर क्वांटिटी लीनियर है ना, जैसे देखो ऐसे मिल गया आपको 3x plus 4 की पावर 5 मिल गई, अब आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर दो पावर के हिसाब से, एक पावर प्लस कर दो टोटल पावर नीचे, बिकॉज अंदर लीनियर क्वांटिटी है आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर एक पावर इंक्रीज हो जाती है कोई भी, देन आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते पावर के हिसाब से, आपको सबसे पहले पावर खोलनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर कंडीशन है। आप डायरेक्ट इसका एक पावर बढ़ा के टोटल पावर नीचे नहीं लेके आ सकते, उसका इंटीग्रेशन तभी होगा जब अंदर लीनियर क्वांटिटी हो, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि अंदर देखो किसी भी क्वेश्चन में लीनियर क्वांटिटी नहीं है, अब किसी में भी ना इसमें है ना इसके अंदर है, इसको देखो सोल्व करोगे एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा, ना तो इसके अंदर है, इसको भी सोल्व करोगे ना तो इसके अंदर है और ना इसके अंदर है, तो आपके ऊपर कंडीशन है। आप पहले इन पावर्स को खोलोगे, फॉर्मूला बेस जाएंगे, ए प्लस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल फोर, आप इसको कैसे भी खोल सकते हैं, a प्लस बी की होल फोर को स्क्वायर का स्क्वायर करके खोल लेना, वो भी आसान हो जाएगा, खुलेगा तो ऐसे ही, ठीक है, या फिर बाइनोमियल से खोल लेना, कैसे भी खोल लेना, लेकिन इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे जब आप इसको ओपन करोगे, उससे पहले नहीं होगा। उसके बाद a प्लस बी का स्क्वायर, पहले इसको खोलोगे फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए ये हम सोल्व करके देखते हैं, देखो a का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल x बचेगा, यहां से भी रूट कैंसिल 1 बाई एक्स बचेगा, यहां से भी रूट एक्स से रूट एक्स। अब देखिए आपके पास सिंपल टर्म्स बच गई जिनका आप इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो, यहाँ पे x बचा है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे 1 बाई एक्स बचा है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस log x, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 के साथ कौन ऐड हो जाएगा, एड सॉरी मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो,
टू इंटू एक्स प्लस सी, यह आपका क्या आ गया इंटीग्रेशन। सो हमने क्या देखा, अगर आपको इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है, अंदर जब लीनियर क्वांटिटी नहीं है, ऊपर पावर ज्यादा है, तो आप उसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, पहले पावर को आपको ओपन करना पड़ेगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद देखो बहुत आसान है इंटीग्रेशन, बहुत आसान है, बस आपके स्टार्टिंग कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, एक्स रेज टू फोर प्लस अपॉन एक्स प्लस वन। देखो अब इस टाइप का इंटीग्रेशन आप कब परफॉर्म कर सकते हो, मतलब कब आप इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो, कंडीशन ये है आपकी जो न्यूमरेटर की पावर है और डिनोमिनेटर की पावर है वो अगर इक्वल भी है ना, देखो न्यूमरेटर की पावर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है ना, छोटी है न्यूमरेटर से, तो आप उसको डिवाइड करोगे पहले, अगर इक्वल है तो भी आप डिवाइड करोगे, हाँ अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है ना, देन आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा कब, जब आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से छोटी है। यहाँ पे देखो एक्स की डिग्री वन है और यहाँ पे एक्स की डिग्री फोर है, मतलब छोटी है, तो पहले आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करोगे, एक्स रेज टू फोर को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे x प्लस वन से, फिर जो एक्सप्रेशन आएगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते अब ना, तो पावर के हिसाब से कर सकते, कब हो सकता है, जब नीचे कोण ना हो x प्लस वन, अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, या फिर ऊपर x x रेज़ टू 4 ना हो तब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, नीचे लीनियर क्वांटिटी लॉग में चली जाएगी, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे आ जाता है तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, दोनों की पावर्स, डिग्री अगर छोटी है ना डिनोमिनेटर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक और मेथड होता है हिट एंड ट्रायल का, आप वो भी लगा सकते हो, उसको भी देखेंगे हम, देखिए कैसे लगा सकते हो। मोस्टली पता है क्या होता है, करना क्या होता है, डिवाइड क्यों करवा रहे हैं हम, डिवाइड करवाने का मेन मकसद यही है, आप इसको खत्म करना चाहते हो, डिनोमिनेटर को कंप्लीट खत्म करना चाहते हो आप इसको, और जब डिवाइड करवाओगे ना तो ये खत्म हो जाएगा और आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि आपकी ये टर्म अलग अलग लिखी जाएगी f1x प्लस f2x में, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस में आप इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अगर वो प्लस माइनस से अटैच हो गए फिर आप उनका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप फंक्शंस को ऐसे लिख पाते हो प्लस और माइनस से अटैच करके, मतलब जोड़ और सॉरी प्लस और माइनस से अगर आप उनको अलग करके लिख पाते हो तब आप उनका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो। देखिए उसके बाद देखिए, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो x प्लस वन से, डिवाइड कैसे करते हैं, जितनी x है यहाँ पे डिवाइड करना तो आपको आता होगा, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, x रेज टू 4 बनाना है ना हमें, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको ताकि हमारा x रेज टू 4 बन जाए, x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारा x रेज टू 4 बन जाए, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाओ x रेज टू 4 बन जाएगा, फिर इससे भी जितने पीछे क्वांटिटी बचेगी उससे आपको x क्यूब को मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू x क्यूब प्लस का x क्यूब, ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस के, इससे कैंसिल, क्या आएगा माइनस का एक्स क्यूब। उसके बाद आपको माइनस एक्स क्यूब बनाना है, आप एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करवाओ कि आपका माइनस एक्स क्यूब बन जाए, तो आप एक्स को माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ, आपका माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। नाइन्थ क्लास के कंसेप्ट है कि डिवाइड कैसे करवाते हैं एक पॉलीनोमियल को दूसरी पॉलीनोमियल से, ठीक है, तो x को आप माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे आपका माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर 1 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये चीज आएगी, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होता है, इससे कैंसिल आउट क्या आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर x कितने पे डिवाइड जा रहा है, तब तक डिवाइड कराते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री और डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना आ जाए, इक्वल आएगी ना तब भी डिवाइड करवाना पड़ेगा, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से छोटी आ जाएगी तब हम डिवाइड करना छोड़ देंगे, वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, तो अब कितने पे डिवाइड जा रहा है, एक्स पे, तो प्लस का एक्स, एक्स पे डिवाइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस का एक्स आएगा, आएगा प्लस का एक्स ऑब्वियसली, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, ये कौन आ गया माइनस का एक्स, एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स आए, माइनस वन से, तो करवा दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस का एक, ये साइन चेंज होंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, ये क्या आ गया प्लस का वन। अब उसके बाद देखिए आपने एक्स फोर को एक्स प्लस वन से डिवाइड करवा दिया, अब पता है आपको इंटीग्रेशन करना था इस क्वांटिटी का,
अब आप इस क्वांटिटी को इस कुछ ऐसी फॉर्म में लिखेंगे कि उसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सको आप, मतलब आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसको कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना कैसे लिखते हैं, वन बाई दिस प्लस में ये क्वांटिटी, कैसे लिखते हैं, वन बाई एक्स प्लस वन और प्लस में ये क्वांटिटी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन, ऐसे लिखते हैं। देखो अब आप इसका डेनोमिनेटर वापस से एलसीएम लेके देखो क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स रेस टू फोर, यहाँ पे बनेगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कौन, माइनस का वन। हमेशा आपको कैसे लिखना है, डिवाइड करवाने के बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऑलवेज हमेशा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस में जो भी आपका क्वेश्चन टाइप वो आपको लिखना है, ठीक है, वन अपॉन दिस, सॉरी यहां पे रिमाइंडर है, दिस अपॉन दिस प्लस क्वेश्चन, प्लस क्वेश्चन। जब आप इसको वापस सोल्व करेंगे तो आपकी यही क्वांटिटी वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसे लिखने का क्या मतलब आपको बेनिफिट मिला, अब आप इन टर्म्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखिए 1 बाई एक्स प्लस वन आराम से हो जाएगा, नीचे लीनियर क्वांटिटी है, लॉग में चली जाएगी, एक्स क्यूब का आराम से हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का आराम से हो जाएगा, एक्स का आराम से, माइनस वन का आराम से, सारे क्वांटिटीज देखिए, सारे फंक्शंस अलग अलग आ गए आपके पास सारे, लेकिन यहां पे आप इस टर्म का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। तो हमेशा याद रखना अगर नीचे डेनोमिनेटर की डिग्री कम है या फिर इक्वल भी है, देखिए यहां पे ऐसा भी होता ना कि एक्स फोर प्लस वन, एक्स रेज टू फोर डिवाइड बाई एक्स रेज टू फोर प्लस वन, तब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तब भी पहले आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा, बिना डिवाइड करवाए आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट स्टार्ट मत करना आगे तक। इंटीग्रेशन में हम आगे जितना भी पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, आगे नए कंसेप्ट भी आएंगे, भले ही कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम चल रही है तो देन आप पहले क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेंट को पहले डिवाइड करवाएंगे और फिर उसका लास्ट में जाके जो भी टर्म आएगी फिर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो देखिए उस क्वांटिटी की जगह ये आ गई, इसका क्या कर सकते हैं, आराम से इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बोला था आप कैसे कर सकते हो, देखिए एक्स प्लस वन dx, हमने क्या बोला था कि इसको खत्म करना होता है कैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे, x raise to 4, आप x plus 1 को कब खत्म कर सकते हैं, जब ऊपर कौन सा फैक्टर आ जाए, x plus 1 का फैक्टर आ जाए, x plus 1 का फैक्टर आएगा तभी तो वो कैंसिल होगा। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया, माइनस वन ऐड कर दिया, सॉरी वन सब्ट्रैक्ट कर दिया और वन ऐड कर दिया। तो देखिए अब आपको पता है x raise टू फोर प्लस वन अगर मैं लिखूं तो इनका कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अगर देखिए मैं इन दोनों को उठाऊं तो वन को मैं वन का स्क्वायर लिखता हूं, x रेज टू फोर माइनस वन का स्क्वायर, और फोर को क्या लिख लूं, स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस में वन डिवाइड में x प्लस वन इन टू डी एक्स, ये चीज लिख ली मैंने। देखिए ए स्क्वायर, इस कंप्लीट क्वांटिटी को आप ए मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन अगर आप प्लस वन को उठाते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी के इक्वल नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता क्या होता है, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको अलग अलग फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इस फैक्टर को एक बार इसके नीचे लिखिए, इस फैक्टर को एक बार इसके नीचे। उससे पहले एक काम और, एक्स स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला खुलेगा कोई, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर वन का स्क्वायर करके भी लिखूं तो भी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ अगर एक्स स्क्वायर वन माइनस वन को अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन इंटू में दूसरा फैक्टर क्या लिख सकते हो आप, x माइनस वन इंटू में x प्लस वन, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए इस क्वांटिटी के नीचे इसको अलग लिख लीजिए और प्लस वन के नीचे अलग से लिख लीजिए। जब इसके नीचे लिखोगे, देखो इसके नीचे जब लिखोगे तो x प्लस वन से x प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसके नीचे खत्म, और जब प्लस वन था तो प्लस वन के नीचे लिखोगे तो प्लस वन के नीचे अलग से आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स,
अब ये दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में आई, तो मैंने फिर से पहले वाले क्वेश्चन में बोला था अगर मल्टीप्लाई में चल रही हैं देन आप उनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको पहले मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, फिर आप उनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनका जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो आपकी यही टर्म्स आएंगी सेम टू सेम, और वन बाई एक्स प्लस वन ये रहा, ठीक है, फिर आप उसका क्या कर सकते हो आराम से इंटीग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं। हम एलिमेंट्स के मैथ की एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थैंक यू।